शर्मा की जय हो, तुम भी जय करो। इतना एटीट्यूड, हम तुम्हें गंजी कर देंगे। ठोकापुर शॉपिंग मॉल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हर सामान पे 80% की छूट है। ओह, लेकिन यह शर्त है, खरीदा हुआ सामान यहीं पे रखना पड़ेगा। इंग्लैंड की प्रिंसेस यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आ रही हैं। ओहो। और अगर किसी ने मेरा प्लान चौपट किया, उनको बताया कि मैं नकली हूं, तो ये तलवार देख रहे हैं आप, ये खानदानी तलवार है। मेरे दादा परदादा सब इसी से मरे हैं। चप्पू, चप्पू, ये क्या मजाक है? दासी होकर राजा का नाम लेती हो? ये लो कोड़े, खुद को 50 कोड़े लगाओ फटाफट। तुम क्या भूल रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। तो ठीक है, 20 कोड़े ज्यादा लगा लो, लेकिन मैं एक भी कोड़ा ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट लगाओ। ये क्या दासी, क्या कोड़े? देखो तुम मुझे परेशान मत करो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। ओ, LOL, LOL. ये क्या LOL, LOL लगा के रखा है? एक तो तुम्हारे कहने पे ये सब पहना हुआ है मैंने। मेरे कहने पर नहीं पहना, झूठ मत बोलो, मेरे ब्लैकमेल करने पे पहना है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कप्पू भैया को जाकर सब बता दूंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने भैया को कुछ नहीं बताओ। एक तो मुझे पता ही नहीं कि बताएगा क्या। हाँ। और लेकिन मैं क्वीन बनूंगी सिर्फ। क्वीन? वो तो कंगना कब की बन गई, तुम कृष बन जाओ। एक काम करो, तुम मोहन जदारो बन जाओ। मुझे कुछ नहीं बना, मैं जा रही हूँ। कप्पू भैया, मैं सब बताने आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, पकड़ो इसको, तक लिया। ए, रुको, तलवार देके जाओ इधर। जाओ जाके शाही मेहमान के आने का स्वागत किया जाए। चलो 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 चलो। इंग्लैंड की महारानी का हमारे दरबार में स्वागत है। एक्सक्यूज मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो, एक्सक्यूज मी, आपको शायद पता नहीं, आप रॉयल वेलकम कर रहे थे, आपको मुझे हाथ पे किस करना था। किस तो हम शादी वगैरह के बाद ही करते हैं। मेरी शादी तय हो चुकी है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारी करेंसी वहां नहीं चलती, वहां की शादी इधर नहीं चलती। नो, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करती हूँ। देखिए, प्यार तो मैं भी दीपिका पादुकोण से करता हूँ, लेकिन मेरा अफेयर तो जैकलीन के साथ चल रहा है ना। So just chill, just chill. फोन पे तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हम आपका स्वागत ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कब से आई हूँ, चाय भी नहीं पूछी। हम क्षमा चाहते हैं, अभी चाय पूछ लेते हैं। आप चाय लाई? मेहमानों को चाय ऑफर की जाती है। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, कहीं आप इटली से तो नहीं है? जी हूँ, पर इटली में हिंदी कौन बोलता है? सारे बोलते हैं, हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे, हमने आपस में हिंदी में बात की। हम तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। भारत माता की जय। आप खड़ी क्यों हैं, बैठती क्यों नहीं? कहाँ बैठूं? एक मिनट इधर रहिए, हमारी शाही गोद आपका स्वागत कर रही है। मैं लंदन की महारानी हूँ, मैं एक पराए मर्द की गोद में बैठूंगी? जब गोद में बैठ गए फिर वो पराया कहाँ रह जाता है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्षमा चाहते हैं। या दासी। हेलो योर हाइनेस। ये कौन है? ये महारानी। दासी। महारानी है या दासी है? ये दासी है, लेकिन हम प्यार इनको महारानी वाला ही देते हैं। महाराज जरा अपनी जुबान पे लगाम दें। आप राजा से जुबान लड़ा रही है? आपको आज ही महारानी के पद से बर्खास्त किया जाता है। चलो आज से आप इस महल की दासी है। लो गमछा, चलो महल पे कपड़ा मारो, चलो चलो जाइए महारानी के लिए नाश्ते का प्रबंध करें। हम क्यों बनाए? खुद को कोड़े मारने का इंतजाम करें, कप्पू भैया को बताने जा रहे हैं हम सब कुछ। महाराज, महाराज, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शाही रसोई में खाना खत्म हो चुका है, तो घोड़ों के अस्तबल में से चारा लेके आ जाए। घोड़ों के अस्तबल से? क्यों, वो नहीं हमारे चने खाते? एक दिन हम उनका चारा नहीं खा सकते? एक्सक्यूज मी, आप मुझे घोड़ों का खाना खिलाएंगे? मेरे यहाँ पे 8 तरह के बिस्किट, 10 तरह के बर्गर, 15 तरह के सैंडविच, 20 तरह के केक और 15 तरह के पिज्जा नाश्ते में बनते हैं। हमारे यहाँ की भैंसी भी इससे कम खाना खाती है। Excuse me, आपकी क्या प्रॉब्लम है? भैंसों के डायपर इनको बदलने पड़ते हैं ना, चिढ़ती हैं ये। महाराज, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप इतनी थकी हुई लग रही, मुझे लगता है आपको हमारे शाही तालाब में स्नान करना चाहिए। Oh my God, wow, यहाँ पे शाही तालाब है? जी बिल्कुल। दासी जाइए
और तालाब में सारी भैंसों को बाहर निकलने का हुक्म दीजिए। जाइए। मैं आपकी भैंसों के साथ क्यों नहाऊंगी? ऐसे कैसे नहीं नहाएंगी, हमने सारी प्रजा से चार चार अशरफियां लेके वादा किया कि महारानी इधर नहाएंगी। जाइए जाके क्वीन के लिए शाही मुर्गा पकाया जाए। मुर्गे भी खत्म हो चुके हैं। तो कुकर में आलू डालो, उसका ढक्कन बंद करो, खुद करो, जाओ, सारा दिन कुकड़ू कुकड़ू करती रहती हो इधर। महाराज, पट पक लिया। हम आपको याद दिला दे, हम आपको याद दिला दे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम अपनी शादी की शॉपिंग करने। Actually, I love Indian culture, you know. Even I love. Please, आप एक काम करिए, मुझे कुछ ढंग का दिखाइए मेरी शादी के लिए। आइए। Let's go. यहाँ आइए, ये देखिए, ये देखिए, मुगलों के जमाने की लिपस्टिक। Oh wow, तब लिपस्टिक्स भी होती थी? क्या बात कर रही है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आपको पता है 6-6 महीने तक चलती थी ये। Surely, long lasting, what quality? Quality ठीक ठाक है, मुगल जंग पे जाते थे 6-6 महीने, तो पीछे लिपस्टिक कौन खराब करे फिर? Okay, आप मुझे इत्र दिखाई, मैंने यहाँ के इत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है। इत्र बहुत, हमारे पास मुगलों के जमाने के इत्र हैं, ये देखिए। Damn nice. स्प्रे करके देखिए आप। इससे प्यास की बदबू आ रही है। अरे मैंने बताया ना आपको, मुगल युद्ध पे जाते थे वो जानबूझ के बीवियों को ये इत्र लगा के जाते थे ताकि उनका कोई मित्र ना आए ऐसे। आप मुझसे दूर करिए और मुझे मोती का हार दिखाइए। मोती का हार देखना आपको, यार इतनी डिमांड बढ़ी है, ये लो मोती का हार। ये कुत्ते का पट्टा है। हाँ तो ये हार हमारे मोती का है। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड की महारानी कुत्ते का पट्टा पहनूं? ये आपके लिए नहीं है, ये आपके होने वाले कुत्ते आपके पति के लिए। कौन सी ब्रीड वैसे ले रही हैं आप? चलिए आप मुझे कुछ कपड़े दिखाइए शादी के। कपड़े? या बिल्कुल शादी के कपड़े। यस शादी के कपड़े। ये लीजिए शादी के कपड़े, ये लीजिए कुर्ता, ये लीजिए धोती। ये क्या है? ये पंडित यही कपड़े पहनते शादी में? मैं पंडित के लिए नहीं, अपने लिए कपड़े मांग रही हूँ। अपने कपड़े तो आपके पास होंगे ना? मैं दुल्हन के कपड़े मांग रही हूँ। दुल्हन के कपड़े मिल जाएंगे, कल हमारे यहाँ पे शादी है, दुल्हन से छीन के दूंगा आपको। अरे यार मुझे दुल्हन के नए कपड़े चाहिए। दुल्हन के नए कपड़े चाहिए? क्या? ओके दासी। अब क्या है? अब क्या हुआ, ये कोई तरीका है? शाही दासी यहाँ से बात करती है? महाराज की जय हो, हुक्म फरमाएं। फटाफट इनको ये कपड़े उतार के दिखाओ। ये काम आप खुद भी कर सकते थे। शट अप लिया, फटाफट किया और गेट आउट लिया। चलिए ये लीजिए। ये क्या है? ये नाइटी है। हाँ तो? हाँ तो क्या, मैं नाइटी पहन के शादी में बैठूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे मैडम देखिए, अब आप इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको शादी के बाद सी ऑफ करने जाएंगी, फिर वापस आके थक जाता, फिर चेंज करने का मन नहीं करता, तो इसी में ये शादी में यही पहनो आप। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये पहन के बैठूंगी तो? अगर आप ये भी नहीं पहनेंगे तो लोग फिर और ज्यादा गंदा सोचेंगे। हाँ बोलो, महाराज की जय हो, हुकुम फरमाए। नहीं कुछ नहीं, मैं ताली का नेटवर्क चेक कर रहा था कि आ रही आवाज कि नहीं आ रही। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज की पीठ पे खुजली हो रही, थोड़ी करो। यू अब ये क्या कर रहे हैं? हमारे राज्य में अगले महीने खुजली आयोजन हो रहा है, हम उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, आप भाग लेना चाहेंगी? मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। सुन लिया तो फिर भाग लिया, चलो हट। मैं कितने सपने लेकर आई थी यहाँ पर कि मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल कपड़े खरीदूंगी अपनी शादी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी है। क्या बात कर रही हैं आप, आपको पता है हिस्टोरिकल कपड़े में बनाने में हमारा नाम है। अच्छा। केला पहले आता था ना, पहले नंगा आता था, उसको हमने कपड़े पहनाए। हाँ सबसे पहले केले के कपड़े हमने बनाए, इसीलिए उसको बनाना कहते हैं। अच्छा हाँ तो फिर मूली ने कपड़े क्यों नहीं पहने? मूली गोरी होती, गोरों का आपको पता है इंजॉय गोवा बीच। एक तो ये बड़ी भारी है। आप एंजॉय एंजॉय छोड़िए, मुझे लहंगा ट्राई करना है, ट्रायल रूम कहाँ पे है? आप ये पहनेगी तो वो क्या पहनेगी बेचारी, कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब उसके कपड़े उतार लो। What the hell is wrong with you? मुझे वो लहंगा खरीदना है, मुझे पहनना है, मुझे ट्रायल रूम दिखाओ। ट्रायल रूम? अरे ट्रायल क्या, रूम क्या करना है, सब अपने ही तो है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सबके सामने ट्रायल करूँ? सबके सामने ट्राई करने में क्या है अभी? मैं पिछले महीने इंग्लैंड गया, मैंने सबके सामने जुराबे पहनी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Are you mad? वो जुराबे थी। अच्छा अपने हाथ भी कवर कर रखी थी, हमारा पैर भी ना कवर हो, वाह। इतने बड़े सियासत के राजा की पैरों की कोई इज्जत नहीं। आई डोंट थिंक आपने आज से कभी भी किसी को कोई शादी का सामान बेचा है। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं मुगलों की शादियां होती थी, भाले हमारे यहाँ से जाते थे। What?
शादियों में भाले क्यों जाएंगे? अरे वो चौमिन खाते ना ऐसे। आपको पता है ये कहावत भी उन्होंने कही थी कि अमी तुम्हारे बालो भाची। एक मिनट, मुगल सल्तनत में मुगलों ने बंगाली बोली थी। जी जी, इसी चक्कर में लड़ाई हुई थी ना। मुगल कहते थे हम तो युद्ध पे चले जाते, पीछे बंगाली कौन बोल जाता है। ये प्रॉब्लम हुई थी। महाराज 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 महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। हमें नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। हाँ हेलो, ताजमहल को लोखंडवाला से उठाकर फिल्म सिटी लेकर जाओ। वहां पर एक सॉन्ग की शूटिंग हो रही है, रोमांटिक सीन है। दादी ये थक गए होंगे, इनके विश्राम का प्रबंध करें। ले जाए इनको, ले जाए ले जाए। थक गए होंगे, 200 किलो का फोन उठाया मैं, थक गया हूँ। कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन खत्म महाराज करेंगे। क्यों करेंगे? 2 मिनट वो भी तो बात कर रहे हैं, तुम फालतू में युद्ध युद्ध करी जा रही हो। महाराज रातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन सा नाटक चल रहा है? मैं तो अपना सामान लेने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन से नाटक, कौन से सामान की बात कर रहे हैं? व्हाट इज ही सेइंग? आप सब्र रखिए योर हाइनेस, हम इनकी बातों में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब हो जाएगा हम आपको बता देंगे। नो 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 नो, यू डोंट गेट इट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई वांट पीस। मैं भाई योर हाइनेस के लिए पीस का प्रबंध किया जाए, मैं तो कहता हूं 2 पीस का प्रबंध किया जाए। जाइए, चलिए। देखो मैं धंधे में मजाक बर्दाश्त नहीं करता। तो जिनका धंधा ही मजाक करने का हो वो क्या करे? अपने मजाक के साथ मजाक रखो, मुझे मेरा पैसा दो। एक मिनट, कौन से पैसे की बात करें? आप कुछ कहते क्यों नहीं है महाराजा? हेलो हेलो। राजा चप्पू, ये क्या हो रहा है? राजा चप्पू कौन राजा? ये राजा तो? इसको तो कभी किसी ने ये नहीं कहा आजा, ये राजा। किसने बनाया तुझे राजा? मेरे पापा ने। मैं जब पैदा हुआ था मेरे पापा कहते आले आले मेरे राजा बेटा। तो अगर इसके बाद किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मैं यहाँ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं आपको झुंझुना दूं वो बजाओ, बड़ा मजा आएगा, आपको भी आएगा हमें भी आएगा, क्या बोलते? फिर एक काम करते हैं जी, तुम्हारे पैर में एक पायल पहना देता हूँ। बस हमें ये आइडिया पसंद है, मंगवाओ। ओके, महाराजा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पर सबके सामने पायल पहन के नाचेंगे? देखिए मंच कोई भी छोटा नहीं होता, अगर किसी का भला होता है हम जरूर नाचेंगे। म्यूजिक, इतना ही डांस काफी है महाराजा। करो ये मजाक, हमारा भी थोड़ा सा डांस निकल गया। Go fight him! इतनी बेइज्जती मेरी, अब मुझे रोने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को दुखी किया, मैं अपने भैया को बताऊंगा जाके। कप्पू भी आएंगे ना, फिर देखना मैं मारेंगे वो गंदे बच्चे। मेरे को मारे बेचता हूँ कप्पू भैया को मैं। पागल जा। बस okay. बात हो गया, अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। सब कान खोल के सुन लो। छोड़ो, हाथ छोड़ो, ये जाओ, तक लिया, मैं चप्पल भी खोल दी, चलो तक लिया, जय हो, तुम्हारी भी जय हो। ये कौन है? मैं का भाई ऊ क्या? मैं कप्पू का भाई गप्पू। यार नीचे सब टाइटल चलाओ भाई। चुआर के बच्चों, ये तो तुमने साफ बोला। गाली में कोई कंप्रोमाइज नहीं, साफ देता हूं दिल से। तो तूने मेरी बहन को चेड़ा। बहन नहीं, वो तुम्हारा भाई है। हमने बहनों की तरफ पाला उसको, हमारी कोई बहन नहीं थी, राखी बनवाता था मैं उससे। ये तुम्हारी माँ ने किस तरह की औलाद पैदा की? खबरदार अगर मैंने बाप के बारे में कुछ बोला तो। मैंने बाप के बारे में नहीं, तेरी माँ के बारे में बोला है। मैंने माँ को बाप का प्यार दिया है। तेरे वो क्या? ओ भाई, मुझे चाहे जितना मर्जी मार लो,
लेकिन रिलेशन तो सही बोलो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, एक साथ दो तलवारों के साथ युद्ध लड़ेंगे आप? मैं गुजराती स्टाइल में लड़ूंगा। ओके, हमें भी करना है। ये युद्ध करना बच्चों का खेल नहीं है। एक भी स्टेप मिस हो गया, हाँ, तो 5 साल का फावड़ा हो सकता है। नो प्रॉब्लम, मंजूर है। मंजूर है। व्हाट डू आई पिक? चलो, म्यूजिक। हेलो रे हेलो, यो ये। महारानी को मेरे भाई टप्पू का सच पता चला? क्या इस भाड़े वाले को उसके सामान का किराया मिला? क्या दासी सल्ला भांडा फोड़ने में सफल हुई या नहीं? ये देखने के लिए देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। तक लिया, चलो। वेलकम वेलकम ओम महारथी। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकंड। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो कि मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हो? पाजी, छोटे शहरों में मुझे आज भी याद है, जब कोई हमारा रिश्तेदार आता था ना, उसको लेने जाना पड़ता था स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, जहां पे भी। एयरपोर्ट वाले तो हमारे थे नहीं रिश्तेदार। अच्छा, और स्पेशली जब जीजा या फूफा है, फिर तो ले जाना ही पड़ता है आपको स्टेशन पे जाके, बस स्टैंड, घर, नहीं तो वो आप अगली ट्रेन पे पकड़ के निकल जाते हैं। और फिर कई साल तक आपकी बहन या बुआ को मायके आने नहीं देते। बिल्कुल सही है। फिर आपको चिट्ठियां आती है कि भांजा हो गया, भाई हो गया। तो मैं इसलिए आज भी डरता हूँ, मेरे घर पे कोई भी मेहमान आए, मैं अपनी नानी को लेने भेजता हूँ। हालांकि आज जो मेहमान हमारे बीच में आने वाले हैं, उनको लेने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आते रहते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर रितेश देशमुख। नानी, तू अकेली? रितेश कहाँ है? नहीं, वो नहीं मिला मेरे को। तेरे को मैंने विजय माला लेने भेजा था। पाजी, मेरी नानी को आज तक कुछ नहीं मिलता। ये पढ़ना चाहती थी, स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, ऑलरेडी 40 की हो चुकी थी, शादी करने गई, पंडित नहीं मिला। जैसे तैसे शादी हुई, घूंघट उठाया, उसके बाद आज तक मेरा नाना नहीं मिला पाजी। मेरे सारे गम दूर हो गए क्योंकि मुझे सिद्धू जी मिल गए। हाय कुर्बान जाऊं। बस अब तू देखना, देखते ही देखते यहाँ शेर सुनाने के लिए छोटे छोटे शेर ही घूमते हुए नजर आएंगे। रुको यार 2 मिनट। नानी, तू तो रितेश के घर गई थी? हाँ, मैं गई थी तो? लेकिन क्या वो गेट पे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया, कहा चंदा मांगना है तो बाद में आना। तो कटोरे जैसा मुंह लेके जाती क्यों है? तेरे को कितनी बार कहा मुंह धोके जाया कर वहां पे। रियली? धोकर जाऊंगी तो नया नाना मिलने का चांस है मेरा। नया नाना लेना है फिर बजा। तेरे को मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बात करने दे। नया नाना चाहिए बाजी, नए दांतों का सेट लगवा जाके, पराठा चूस चूस के खाती है। वायो केटिंग सो हाइपर, इतना आउटडेटेड क्यों हो रहा है? तुझे बताए, विदेशों में सिद्धू जी औरतें तब जाके पहली शादी करती जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं। वो जवानी में ही शादी करती हैं, उनके बाल बचपन से सफेद होते हैं। तो जरूरी है हर मामले में उनका क्या? मेरा मतलब है हर मामले में उनकी बराबरी करना जरूरी है क्या? तू देख, देखते ही देखते तेरे लिए ऐसा मस्त कौला नाना ढूंढ के लाऊंगी मैं। ये तो रितेश देशमुख है। ओ हो, जोरदार तालियां। एक बार रितेश देशमुख के लिए जोरदार तालियां। हाउ आर यू माय ब्रदर? ब्रो, डूइंग ग्रेट ब्रदर। आइए बाजी, बाजी।
थैंक यू। अरे नितेश नानी जी, इसे कहते हैं बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। कप्पू तेरा नाना ना जवानी में बिल्कुल ऐसे ही लगता था। क्या झूठ बोल रही है, ऐसा कब लगता था नाना? बरसात में उनके बाल उग जाते थे ना तब। तूने मेरी जवानी याद दिला दी मुझे। सॉरी नानी, वो क्या है ना, बारिश होगी ना, हाथ फिसल रहा है थोड़ा। ऐसे कोई फेंकता है क्या किसी को? थैंक यू। मैं क्या कह रही थी, तू ये बैंड मास्टर बनके क्यों घूम रहा है? नहीं, क्या है नानी, मैंने अपना नया बैंड खोला है, बैंजो बैंड। अच्छा जी। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको जब भी एक नया नाना मिल जाए ना, हाँ। तो आपकी शादी में ऐसा बैंड बजाऊंगा ना मैं, सच आप खुश हो जाएंगे। वो भी फ्री। वो भी फ्री जी। सुना तूने कप्पू? मेरा दिल कर तुम्हारे मुंह पे छाता खोलो ऐसे। चुप कर। यार तंग करती मेहमानों को, सारा पानी डाल। नया नाना लाने के लिए मुझे रीजन भी मिल गया। बस रितेश जी, एक बार सिद्धू जी हाँ बोल दे, मैं तुझे फोन करूंगी। ओके, अपने बात पे अटल रहना, पलटना मत। बिल्कुल सिद्धू जी, आप और आपका यहाँ मिलन होने वाला है। ये ऐसे मिलन के लिए बैंजो, मुझे लगता है पूरी दुनिया बजाएगी। मैं तुझे फोन करूंगी, ठीक है? जी बिल्कुल जी। रितेश, आपका हमारे शो में एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। बाजी, आपको पता है हमारे एपिसोड में इतने ऐड नहीं आते जितनी बार रितेश यहाँ आते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप आते हो। थैंक यू। बाजी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारा शो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? वही सोच रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। हाँ। क्योंकि मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि इतना सारा इनकम टैक्स ये भर रहे हैं एक साल में, उतनी मेरी 5 साल की कमाई नहीं है। मैं सोचता हूँ इनके साथ काम कर लूँ। इनके घर पे कई बार आ चुका हूँ, इनके बस्ती में कहीं पर कई बार आ चुका हूँ, कभी ऑफिस में बुलाया करो। That was a rumor with a fact. अच्छा रितेश, बैंजो में एक म्यूजिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जब वॉयलन होती है या गिटार कोई यूज करता है फिल्म में, तो उनको बड़े अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ती है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि कैसे प्ले करते हैं। तो बैंजो रखना उस फिल्म में जी इसलिए था कि किसी को पता नहीं चल पाए कि आप ठीक बजा रहे कि नहीं बजा रहे। रितेश, फिल्म में आपके किरदार का नाम क्या है? तराट। तराट जी। तो ये पहले से डिसाइडेड था कि सैराट हिट होने के बाद राइमिंग ही है? नहीं, सैराट रिलीज होने से पहले इस फिल्म का नाम तराट है। ओके, एक्चुअली तराट का मतलब मराठी में होता है पिया हुआ। पिया हुआ? पिया हुआ। ओके, वो तल्ली तराट, तल्ली तर हो गया गला। तल्ली, तल्ली। तर, ये पूरे पिक्चर में हाँ ऐसे ही रहता है। आपका किरदार? हाँ, मेरा किरदार, मैं असल जिंदगी में कभी मैंने पी नहीं है। नहीं, कोई आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, नो बट आप सच्ची पर आपने कुछ उसको रियलिस्टिक ज्यादा और कुछ मूड में लाने के लिए एक आध बार ट्राई भी नहीं किया फिल्म में? नहीं नहीं नहीं, एक बार मैं बताऊँ आपको कि फिल्म में एक शॉट था सिगरेट पीने का, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, बताने की जरूरत नहीं। Yes. ये बहुत ही प्यारे आदमी हैं। अगर इनको कोई कहे कि आपको मुर्गी के साथ खाना खाना है, तो मुर्गी के साथ बैठ के एक रोटी उसको खिलाते हैं, खुद खाते हैं, मुर्गी नहीं खाते हैं। बहुत ही प्यारे इंसान है। He is a very nice human being. जी। तो वो सीन था जहाँ पर सिगरेट पीनी थी, बीड़ी पीनी थी। अच्छा। और मैंने डायरेक्टर से कहा कि कैसे होगा ये, क्या करूँ? तो पाजी, मेरे लिए वो हर्बल बीड़ी लेके आए, ऐसा उन्होंने कहा। तो और ये बोले कि ये पीने से गला अच्छा होता है, तो मैंने पाजी एक पैकेट तो चिपकाई दिया। और बताऊं, दूसरे दिन मेरा गला खराब हो गया। सो अब मैं आपको मिलवाता हूं उनसे जो फिल्म बैंजो में रितेश के बैंजो के तारों से छेड़छाड़ कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, बड़ी ही प्यारी हैं। प्लीज वेलकम नरगिस फकरी। How are you? Are you fine? Yes. Because you are going to another cities for promotion and I feel you are very tired. Am I right? Yes. Now you can feel like at home. How? This is your home, baby. Look at our home. We have hospital also. If you are too much tired, we have drips also. Nargis ke liye ek baar zordar taali ho jaye.
जिनकी लहराती जुल्फों में ये हवाएं गुम हो जाती। जी, मिलाकर उनसे नजरें धड़कने खो जाती हैं। कपिल और रितेश देशमुख, तुम दोनों कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन हीरोइन सबसे पहले क्रिकेटर से इंप्रेस हो जाती है। What he's saying is that you're looking very pretty and he's like your brother and a father figure to you and he'll always bless you for whatever you do in life, especially banjo. That's so sweet. क्यों जलते हुए अरमानों के दिए बुझा रहे हो? अपने साथ साथ हमारी भी कश्ती डुबा रहे हो। क्या? खुद की रोटी तो तुम सेक नहीं सके दोस्त, अब चलाकी से मेरा भी पराठा जला रहे हो। वाह 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 पाजी। अरे वाह वाह। He's saying, not for this life, for next 7 lives he's your brother. That's it, पाजी। आज जैसा भाई इस दुनिया की हर महिला को मिले। पाजी, ये हमेशा ना हमेशा मुझे चिढ़ाते थे, मुझे आज आज रितेश, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू टू एंड आई लव यू थ्राइस। नरगिस को इससे पहले हमने हाउसफुल के लिए इनवाइट किया, बहुत प्यार से मना कर दिया। उसके बाद में हमने अजहर के लिए इनवाइट किया, इन्होंने और भी ज्यादा प्यार से मना कर दिया। अभी ये बैंजो के लिए आई है, तो बैंजो के लिए क्या आप दिल से प्रमोशन करना चाहती हैं? और जस्ट यू फेल इन लव विद मी, आई मीन सही सिंग, यू डिडंट कम हियर फॉर द अदर प्रमोशन, या टुडे डिसाइडेड टू कम। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, एंड आई नेवर, इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन योर शो। यस, वो इसलिए नहीं आई कि उसको हिंदी में ब्रदर और लवर का फर्क समझ में नहीं आता। फिर ब्रदर वाले पे आ जाओ, कुछ भी कर लो। What he is saying that, you know, you didn't come here. Okay, fine. He's saying, किसे कहते हैं नहले पे दैला ठोको? We will करते रहेंगे हम लोग जो भी हमें करना है। You just relax and please have your seat. जोरदार तालियां बाजी, आइए बैठिए। अच्छा, नरगिस की जो मम्मी है बाजी, हाँ, वो स्लोवाकिया से है। कहाँ से? चेक और स्लोवाकिया। Right. नरगिस, can you please explain me what is the exact, Czechoslovakia? Well, it's no longer Czechoslovakia. It's Czech Republic. Czech Republic. The Czech Republic. I don't know because all Czechs are being bounced by the bank. So, Czech Republic. So, इनकी मम्मी जो हैं वो Czechoslovakia से हैं, पापा पाकिस्तान से हैं, अभी Czech Republic हो गया, चलो। अच्छा, मुझे इतना पता था कि कॉकटेल का नशा खतरनाक होता है, लेकिन इतना नशीला था मेरे को नहीं पता था। मैं बेटे, मेरे को ये आपकी बात बहुत ज्यादा पसंद आई। I just love. मुझे भी बहुत पसंद आई भाई। You don't need to understand what I'm saying. Just enjoy. If you feel like sleeping, you can go to sleep. Just feel like at home. अच्छा, नरगिस खुद भी कई देशों में रही हैं, US, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, इंग्लैंड, कोसारिका, ग्रीस। आप इतनी सारी कंट्रीज में ट्रेवल करती हैं। You have been to so many countries. कोस्टारिका है? कोस्टारिका आपके लिए मंगवाऊं? अच्छा, ये कंट्री है, कंट्री, कंट्री। एक कॉफी भी आती है ऐसी, सेम। सो यू हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, सो व्हेन यू हैव यू वर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, हैव यू एवर थॉट यू विल गेट अ वीजा टू कम ऑन आवर शो? आई एम जस्ट किडिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी यू आर हियर। थैंक यू नरगिस, टेल मी वन थिंग, इज इट अ फैक्ट और इट्स अ र्यूमर that you eat cold cream in your breakfast? What's cold cream? Cold cream. Cold cream, like in our country north, so much fog and
जस्ट ये 5 नाखून प्रिंटेड ऑन योर स्किन एंड देन यू पुट व्हाइट क्रीम एंड कोल्ड क्रीम. कोल्ड क्रीम को क्या कहते हैं? मॉइस्चराइजर. बट यू आस्क्ड व्हाई आई ईट इट बिकॉज़ यू आर सो फेयर. आई मीन ओह शी थिंक यू आर सो फेयर. इसको समझाते समझाते आज मेरी जान जाएगी देखना. यू आर फेयर. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बेबी. यू आर वेलकम. जब रितेश और नरगिस का एक बड़ा ही रोमांटिक सीन्स भी काफी हैं इस फिल्म में. इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है जी. रितेश कभी ऐसा हुआ कि आप कोई रोमांटिक सीन करने जा रहे हो जी, बीच में जिनेलिया का फोन आया हो कि कि राहिल के डायपर लेते आना, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं आपके? मैं ये बताना चाहूंगा. बताओ. कि एक अनसेड रूल है इंडस्ट्री में. हाँ. जो भी शादीशुदा एक्टर्स हैं हाँ. जब रोमांटिक सीन्स करते हैं हाँ. फोन बंद करके सिर्फ एक्टर नहीं, मेरा फोन 15 साल से बंद है. बजट. अब आपने ये बात बोल तो दी हाँ. अब आपका जब घर जाके 3G टूटेगा ना इनका नेटवर्क नहीं आने वाला देखना. आपने बोल तो दिया ये कैमरा पे. Being a younger brother, I advise you. सोच समझ के बोला करें. रितेश इस फिल्म में एक मराठी करेक्टर निभा रहे हैं. रितेश खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. नरगिस जो हैं वो शी इज इंटरनेशनल गर्ल, ये पूरी दुनिया की हैं. जब इन्होंने पहली बार टपोरी वर्ड सुना ना, इनको लगा कोई खाने की चीज़ है. नरगिस अगर आप कहीं एकदम देसी लड़के के साथ डेट पे जाएं, इफ यू विल एवर गो टू ऑन अ डेट विद अ वेरी देसी बॉय लाइक कपिल शर्मा, लाइक हु कपिल शर्मा, तो मैं सोच रहा हूँ वहां क्या होगा. आर यू आस्किंग अ डेट इन फ्रंट ऑफ ऑल? आई मीन इंग्लिश के मामले में चुप हो जाता, अदरवाइज तो कोई इतनी वैसी प्रॉब्लम नहीं है. या आई मीन आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वट इफ यू गो ऑन अ डेट विद अ वेरी मच देसी गाय. एक्चुअली आई विश दैट मे बी आई मेट यू फ्यू ईयर्स अगो, देन माई हिंदी वुड बी बेटर एंड योर इंग्लिश वुड बी बेटर. यार इधर आ यार, हाय फाइव यार, हाय फाइव. They are enjoying what you just said. It's a very happy show. Radha, I love you. Ab aap janta hai, I love you too much. But Nargis, well done, girl. You killed it. You love? What you I love did? Her? I love you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. You love till 10? I will start from 11. Baji. ये जो ऑड कपल है हाँ. ये जो इनका जो ये डेट सिनेरियो है हाँ. वो मुझे लगता है हमको यहीं पर देखना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. मैं तो श्योर. ऑफ कोर्स. कम बेबी, आई विल टेक यू टू सम रोमांटिक प्लेस. कैन यू प्लीज गिव मी सम मूड लाइटिंग? थैंक यू. प्लीज इतना मजेदार म्यूजिक. वाओ, दिस इज वेरी रोमांटिक. दिस इज नॉट रोमांटिक. वी डिडंट पे अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दे कट. आई वांट टू से सम ब्यूटीफुल पोएट्री फॉर योर ब्यूटीफुल फेस. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, कुछ ऐसा करो कि हमारा सरनेम हो जाए एक. आई मीन आई वॉन्ट टू बिकम मिस्टर कपिल फकरी. एक क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे?
कपिल शर्मा शो चल रहा है। क्या चल रहा है? ये चिपका चिपकी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी चिपका चिपकी भाई? हमने तो दूर दूर बैठे बातें कर रहे हैं यार। हाँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है, फिजिकली दूर है लेकिन मेंटली तो ऑलरेडी चिपक चुका इधर। हाँ, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। लगता है तेरा एडवांस में चलान काटना पड़ेगा। पावती किधर है? एडवांस में चलान कौन काटता है यार? तू एडवांस में इनकम टैक्स भरता है ना भाई? ये मेरी डेट मरवा रहे हो कि मेरी रेड मरवा रहे हो? मुझे करनी नहीं है ये डेट। कैंडल ऑफ। जोरदार तालियां नरगिस के लिए एंड जोरदार नॉट तालियां फॉर रितेश। कम कम नरगिस। अबे कपड़े टांगने वाली रस्सी पकड़ लाई है। ये देखिए इस्तांग। इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब, एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर साहब संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे तो कीर्तन कर रहे हैं। प्रसाद ले लो, तुम ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। और रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी। नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। थैंक यू। अरे तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mishur Gulati. Yes, doctor. Hi, nice meeting you. Hi, Dr. Mishur Gulati, BMC. BMC? BMC का मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. Oh. Science तो ऐसे होता है. देखो, देखो, कौन आदमी BMC के spelling बता रहा है मेरे को? ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष, तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराने, हम रितेश जी बता रहे हैं, क्या हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। ये क्या करते हैं सोचिए, ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला था। दिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर। जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा दो तरीके, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाई जांघ कटवा लो। तो ये कहते मुझे लिपोसक्शन कराने, मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस है। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए दो दो हाथ। दो दो हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं, करती तो डांस ही लगता कुश्ती है। बस म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया। हट क्यों नहीं रहे आप? अब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं आप।
ऐसे कौन म्यूजिक बंद कराता है भाई? हम मैं चलते हैं क्या? रिंकू भौजी का उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो ये तो चली गई। बट रितेश, आई मस्ट टेल यू, आई एम ए डॉक्टर आल्सो, और एज अ डॉक्टर मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज हैं। जी आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। क्यों चक्कर? ध्यान से देखना ही क्यों फिर? मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? So, as a doctor, मेरे बड़े फर्ज बनते हैं, and I want to do your tests. सर दो बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब आप आते ही इतनी बार हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो कराते जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, मिस्टर रितेश देशमुख, गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई वॉन्ट टू डू योर टेस्ट। जी I want to see कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं। ओके। उसके लिए मैं आपको कुछ कहूंगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। 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 नहीं आप इको फ्रेंडली नहीं हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बासा बासा बासा। कालिया 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 कालिया। देखा 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 देखा। हो गया हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है यार, बस कर यार, बस कर यार, बस कर यार, बस कर। एक्सक्यूज मी यार, मैं किसको मुंह दिखाऊं यार? एक मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब उन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से? ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली? मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं? तू तो मेरा हॉस्पिटल में रख रहेगा। चल अंदर, चल यहाँ से, हट। अब मिलते हैं फिल्म बैंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। ये पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, क्योंकि बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बुगी वुगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर। धर्मेश, जब आप बुगी वुगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी देखा कि जितने लोग बाकी के शो में, क्या होता है ना कि शो चलता है ना, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है, बट यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय कर देते हैं। थैंक यू धर्मेश, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। धर्मेश, आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर, और यू कैन सीट हियर। धर्मेश पाजी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने से आपको रोक नहीं सकती। एक ऐसा लड़का जिसका वडोदरा में एक मिसल पाव का स्टॉल था और आज डांस की दुनिया में एक्टर्स में एक अपने आप में मिसाल है। धर्मेश, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू धर्मेश के लिए, जोरदार तालियां यार। धर्मेश ने इससे पहले दो फिल्में की हैं, ABCD और ABCD2, जिसमें वो डांस बेस्ड फिल्में थीं,
और धर्मेश जो है उसमें एक ग्रुप डांस का हिस्सा थे. धर्मेश इस बार आप एज ए डांसर नहीं एक्ट कर रहे फिल्म में, एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं. आपको इसमें मुश्किल लगा कुछ? मेरे लिए टफ था क्योंकि इसमें डांस का कुछ भी एक स्टेप भी नहीं है मुझे. okay. एक वो स्टेप भी नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग के ऊपर ही खेलना है. सो बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो है रितेश भाई. ये बिल्कुल सही कह रहे कि इनकी मैंने एक बार मदद की थी तो मुझे पता चला कि दो गाने इनके साथ हैं. ओके. जिसमें हमको नाचना है तो मैंने कहा कि इसमें एक भी स्टेप बराबर मत करो क्योंकि क्या है कैरेक्टर में. तो ये आप उनकी मदद कर रहे थे कि अपनी मदद कर रहे थे आप? नहीं, मैं इनको बोला कि अपने कैरेक्टर को मत छोड़, ऐसे कोई कुछ भी बोले. ऐसे यू आर अ ड्रमर, यू आर नॉट अ डांसर. ड्रमर तो बीट्स ड्रम के पकड़, डांसिंग के मत पकड़. और मैंने ऐसा फिक्स कर लिया पाजी कि दो गाने देखो मैं इससे बेटर नाचूं. मुझे दो तीन SMS भी है, क्या एनर्जी है धर्मेश से अच्छा लग रहा है तू. और जब पिक्चर रिलीज होगी तो बोलेंगे धर्मेश क्या काम किया रितेश से बेटर काम किया तूने. फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने सुना कि नरगिस जो हैं वो धर्मेश को इंग्लिश सिखाती थी और धर्मेश इनको हिंदी सिखाते थे. अच्छा अच्छा, ये पैंतरे लड़की को पटाने वाले, ये बड़े टीनेजर वाले होते हैं. आपको कोई नया आइडिया नहीं आया दिमाग में? नहीं नहीं, आपको पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती आपके जैसे, बट आप तो अभी बहुत अच्छा. पहले कपिल इनकी इंग्लिश भी थोड़ी ऐसी ही थी कुछ, बट अभी आप बहुत अच्छा. नो यार, दैट वाज जस्ट आई वाज जस्ट डिड फॉर कॉमेडी, बट आई कांट टेल यू हाउ मच आई गुड इन इंग्लिश. आई डोंट स्पीक सो दैट इंग्लिश डिपार्टमेंट कांट रेड ऑन मी. नहीं, बट मुझे पता है कि 3 महीना मुझे शूट करना है. अभी रितेश भाई के साथ तो मराठी में बोल लूंगा या हिंदी में बोल लूंगा, इनके साथ पोपट ना हो जाए क्योंकि कभी सडनली इतना फास्ट बोल जाते हैं ना कि यार. धर्मेश, नरगिस, रितेश पाजी, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं. आप जो भी पूछना चाहते हैं फटाफट अपने सवाल जो हैं पूछ सकते हैं. जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हेलो एवरीवन. हेलो रितेश सर. जी सर. सवाल आपसे. जी सर, एक बहुत पारिवारिक सवाल है. जी. आप इतने बड़े एक्टर हो, आपकी वाइफ भी बड़ी एक्टर है और आप 2 बच्चों के बाप हो. अभी रात में जब बच्चे उठते हैं, सुसू करते हैं या उनको भूख लगती है तो उनको कौन मैनेज करता है? मैं जनरली अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछ रहा हूँ. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे. आपका सवाल सही है. एक बच्चा मेरा अभी 2 साल का होगा, दूसरा 3 महीने का है और जिनिलिया वो शी टेक्स केयर ऑफ बोथ द बेबीज, एक्चुअली ऑल द 3 बेबीज, मी इन्वॉल्व. ओके. डायपर वाइपर फिलहाल वो चेंज करती हैं, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है, आए जैसे आज या पिछले 2 दिन से सुबह मैं उठता हूँ, फिर अपने बेटे को उठाता हूँ, उसको नहलाता हूँ. उसको ब्रश बिल्कुल करना पसंद नहीं है तो मुझे गाने गाने पड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ आई बाबा, तो वो ब्रश करता हूँ तो फिर वो मुंह बंद कर लेता है. तो फिर मैं बोलता हूँ उसको कि सिंह का कर, तो सिंह तो बोलते आ, तो ब्रश डाल देता. तो वो हो गया. फिर बोलता हूँ हत्ती का कर, तो हत्ती होता है, फिर से ब्रश. तो यस, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज द बेबीज आर टू स्मॉल, तब तक वो ख्याल रखती है. बट आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग. एक और मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ. पहली बार जब मैं डायपर चेंज कर रहा था तो उसका एक सिस्टम होता है कि एक कटोरी थी जिसमें साफ पानी होता है, एक कटोरी जिसमें कॉटन होता है और बच्चा सामने, तो डायपर खुला रखने का, वो कटोरी में से कॉटन लेने का, पानी में डुबोने का, साफ करने का, पैर साफ करने का, डस्टबिन में डालने का, फिर दूसरा. तो मैंने क्या किया, कॉटन लिया, पानी में डुबोया, साफ किया, फिर से पानी में डाल दिया. फिर उतने में उसने सुसु कर दी और मैं बौखला गया. तो मुझे पता नहीं था, तो मैं कैच कर रहा हूँ कि इसका क्या करूँ मैं, ये इसका क्या करूँ. तो सॉरी, ये मेरे कुछ घरेलू, आई होप दे हेल्प यू. थैंक यू सर, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका. जी, और कोई मेरे दोस्त? जी, मेरा सवाल नरगिस जी से है. जी, वो बाय द वे नरगिस जी, शाहरुख जी
और काजल जी की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा कपिल जी आप भी शाहरुख जी के बहुत बड़े फैन हैं। जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि नरगिस जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा एक सेट मेरे सामने क्रिएट करे। स्टेप क्रिएट करे, सेट क्रिएट करे, सेट जिसमें अमरीश पुरी जी काजल जी से बोलते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। जी हाँ, जिसमें आप बनोगे शाहरुख खान। कौन? आप कपिल जी। मैं? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? नरगिस जी बने, नरगिस जी बनेगी काजल मैम। जी। और रितेश जी आप बनोगे अमरीश पुरी जी। प्लीज मैम। What is he asking me? So what he wants to do is recreate an iconic scene where I'm going to play your father. Going to be my father? Your father. He's going to be your lover. My lover? Yeah. Yeah. And it's an iconic film, DDLJ. So you want to marry him? I want to marry him? Yes. I'm holding your hand and I'm going to tell you at the end of it, you're going to say, please leave me, Dad. Please leave me, Dad. I'm going to marry him. I'm saying, no, 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 no. And at the end, I'll say, okay, fine. Go and live your life. Ja, Simran, ja. Jee le apni zindagi. Jee le apni zindagi. With him? Yeah. You have to. Oh, brilliant. देखो जी सारे शो पे वो बहुत कम बोली लेकिन जब बोली ना उसने कुंडा खोला। ओके वी ओके गुड यार यू वी ओके डोंट बी सैड दैट यू आर गेटिंग ए हस्बैंड लाइक मी बी हैप्पी यू आर गेटिंग ए फादर लाइक हिम यंग फादर आई एम अ वेरी यंग फादर। देखो कर्म वापस आता है तुमने हमें भाई बोला ना तुम बाप बन गए बेटा। मुझे क्या पता था कि मैंने सिद्धू जी को नरगिस का भाई बना दिया, इसने मुझे अपना बाप बना दिया, तो आज मैं सिद्धू जी का भी बाप बन गया। चलिए चलिए जल्दी चेंज हो गए। ओके आई आई नो धर्मेश कैन बी अ ट्रेन, ही कैन डांस लाइक अ ट्रेन। धर्मेश धर्मेश चलो ट्रेन 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 कुछ भी बन जाएगा ये। चलो ट्रेन जा रही है। ट्रेन ट्रेन स्लो स्लो ट्रेन ट्रेन स्लो ट्रेन। हां तो मैं ट्रेन के पीछे हूं। ठीक है ठीक है ठीक है चलो रेडी चलो रेडी। पापा पापा प्लीज आई वांट टू मैरी हिम। हे मैरी हे सिमरन जल्दी आओ ट्रेन निकल रही है। ओके सिमरन प्लीज यू कैन गो। लिसन सिमरन आई वांट टू टेल यू वन थिंग। Train, you live. मैं सिमरन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या क्या कहो ना। मुझसे तुम्हारे साथ बात नहीं होगी, मेरी इंग्लिश कमजोर है, अपने बाप के पास वापस जाओ। Easy. I don't know English. Go back to your father. ट्रेन खड़े खड़े देख। अच्छा ट्रेन आदमी से भी स्लो चल रही, मैं भाग रहा हूँ। धर्मेश धीरे धीरे। थैंक यू नरगिस जी। आपका यार नाम बताया नहीं आपने। जसवंत है नाम मेरा। जसवंत चलो शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त जी? ओ अरे वाह सर माझं नाव आहे मंगेश। मंगेश हाँ नमस्कार। मी राहायला सोलापूरहून आलो इकडं। सोलापूर आलाय? सोलापूरहून का तुमचं एक बघाच होतं आम्हाला का टीव्ही मध्ये मला बघितलं होतं। यार मंगेश एक बात बताओ मुझे इतनी प्यारी लगती ना मराठी लैंग्वेज पर अगर आपने दोनों में आपस में बात करनी बाहर ही मिल लेते फिर हमें भी तो बताओ क्या बातें हो रही है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आप सोलापुर से आए हो, टीवी में देखा है मुझे और आपको टीवी में देखा है तुम्हारे को जी। तुम्ही जे वाजवता ना बैंजो बैंजो हाँ तुम्हारी एक कला तुम्हारे दिखाओ एक कला माझे मन एक कला मैं तुम्हारे दिखाता हूँ। अरे वाह ओके दिखाओ दिखाओ चलो चलो जाओ। आइए मंगेश आइए मंच पे आइए। Thank you.
क्या बात है मंगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार। आप हमें बड़े प्यारे लगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। नरगिस, हमारे शो में एक रवायत है, हम जो भी हमारे शो में आते हैं, जो हमें बहुत पसंद आते हैं, प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोबाइल, आई वॉन्ट यू टू गिव हिम। थैंक यू मंगेश जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। चलिए तो सर एक सेल्फी हो जाए जाने से पहले। कम रितेश, थैंक यू। हाजी, यहां पर आया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी मस्ती की। जाने से पहले नरगिस आपसे कुछ कहना चाहती है। सिद्धू भैया, हमारी फिल्म बैंजो का एक अमेजिंग रोमांटिक नंबर, अच्छा, हृदय ने गाया है, अच्छा, वो यहाँ पर है आज, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस रोमांटिक नंबर पर आप और नरगिस डांस करें। भैया देखो भैया, भाई बहन के रिश्ते के ऊपर कलंक नहीं जाएगा। भाई बहन तो मैंने तोड़ दिए सारे रिश्ते। ना हम ही टूट गया, कमाल कर दिया उसने, कह दिया भैया। तो अकेला बोले ना सिद्धू, ऐसे करके फिर मैं आऊंगा। ओके ओके नरगिस, यू हैव टू से सिद्धू लेट्स डांस। लेट्स गो सिद्धू लेट्स डांस। ओहो चलिए, आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गए, भोले सनम के धोखे से दिल पे वार कर गए। जब से अपनी देखे गई नर्म छुअन तूड़न छु, हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छु उड़न छु, रहने सारी रैन उड़न छु उड़न छु, हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छु उड़न छु, बेस्ट हो बैंजो। और आप सब लोग अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।